नमस्कार, प्रोग्राम 8 पीएम में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। सुप्रीम कोर्ट ने धारा 370 और 35 ए को जम्मू कश्मीर में हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। इसको लेके पूरे देश में तो खुशी मनाई जा रही थी, लेकिन उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में चंद एक नेता को छोड़ के, चंद एक या दो जिनका काम ही है भारत के विरुद्ध चलना, उनको छोड़ के पूरा जम्मू कश्मीर खुशी मना रहा था। जम्मू कश्मीर ने फैसले का वेलकम किया, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी थी सब ने वेलकम किया और कहा कि 70-75 साल पुराना जो हमारे साथ भेदभाव हो रहे थे आज वो खत्म हो जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान के सीने में सांप लौट रहे हैं। पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि किसी न किसी तरह से इस धारा 370 को लेके लोगों को भड़काया जाए और इस काम को करने जा रही है मुशाल मलिक, जो यासीन मलिक की पत्नी है, आतंकवादी यासीन मलिक जिस वक्त अंदर है, तिहाड़ जेल में है, उसकी पत्नी पाकिस्तान से ये कोशिश कर रही है कि जितने भी आतंकवादी गुट हैं उनको बुलाया जाए, उनसे बात की जाए और 370 को लेकर ना ही सिर्फ जम्मू कश्मीर भारत के अंदर बल्कि पूरे विश्व स्तर के ऊपर इस पर लोगों को भड़काया जाए, उसके बारे में गलत फहमी पैदा की जाए, लोगों को यही कहा जाए कि जम्मू कश्मीर जो है भारत का अंग नहीं है। लेकिन अब एक मोहर लग चुकी है, जम्मू कश्मीर भारत का अंग है, अटूट अंग है, जिसे कोई नहीं हटा सकता, चाहे वो मुशाल मलिक हो, चाहे कोई भी पाकिस्तान का ऐसा आतंकवादी हो, जिसने भी किसी ने कोशिश की उसे मुंह की खानी पड़ी। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हट चुकी है, 35 से हट चुका है, अब ना तो वो वापस आएगा ना उसे को वापस ला सकता है। इसमें सब खुश है, सब राजी है। तो आइए अब एक नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर क्लस्टर यूनिवर्सिटी के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। उनका कहना यह था कि स्टूडेंट्स पर जबरदस्त प्रेशर डाला जा रहा है, यानी कि उनका सिलेबस तो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ और एक ही दिन में बहुत सारे चैप्टर्स करवाए जा रहे हैं और अभी तक अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा तो वो एग्ज़ाम कैसे दे पाएंगे और एग्ज़ाम की डेट भी निकाल दी गई है। उनका ये कहना है कि कम से कम उनका सिलेबस तो कंप्लीट करवाया जाए ताकि वो एग्ज़ाम देने के लिए सक्षम हो सकें। इसी को लेकर उन्होंने प्रदर्शन के माध्यम से अपनी बात कही। बीमारी कैंसिल करने के चक्रों में है और हमारे पेपर ले रहे हैं। फर्स्ट ऑफ जैन को हमारा एक पेपर दिया हुआ इन्होंने और सीए का सीएस का पेपर विद इन हमारे बीच में डेट शीट के बीच में क्लैश कर रहे हैं। वो बच्चे सीए की तैयारी करेंगे, सीएस की तैयारी करेंगे, जहाँ की अपने बड़ी बात यह है कि ये कॉलेज जो हमारा कॉमर्स कॉलेज है ये आजकल हमारे ना एक्स्ट्रा क्लासेस लेते हैं, जैसे 5 बजे स्टूडेंट को भेजा, कई बच्चे कहीं दूर दूर से भी आते, कोई कोई एयर से, कोई बैकवर्ड एरिया से आ रहा है, जिसकी वजह से बच्चे आते कहते हैं कि हम 7 बजे घर पहुंचे, कोई 8 बजे घर पहुंचे, ना बच्चों का घर पहुंचने का टाइम है ना कुछ। ऊपर से हमारे टीचर्स कहते हैं आप कॉलेज में बैठो, हम सैटरडे संडे को भी पढ़ा देंगे आपको। सर ये गलत तरीका हुआ सर, सैटरडे संडे को भी पढ़ा देंगे, एक्स्ट्रा टाइम लगा देंगे, 5 बजे तक पढ़ा देंगे, 6 बजे तक पढ़ा देंगे। सर एक सर कॉलेज के आधे बच्चे कहते हैं हम 8 बजे घर पहुंच जाए, कोई कह रहा हम 7 बजे पहुंच रहे, ना घर पहुंचने का टाइम है ना इनके सुबह क्लासेस लेने का टाइम है। सर कहते हैं एक्स्ट्रा क्लासेस क्यों लगानी है, सर टाइम से क्लासेस लो। सर जब सेमेस्टर 6 महीने का, सर 3 महीने में खत्म करना है। सर आज पर जो रूल है कि गवर्नमेंट ने हमें छुट्टियां प्रोवाइड की हैं, एक समर ब्रेक और विंटर ब्रेक, वो कैसे ही काट सकते हैं। सिख पारंपरिक विवाह को कानूनी मान्यता के दायरे में लाया गया है। सर्वप्रथम केरल ने इसे लागू किया, इसके बाद अन्य प्रदेशों में इसे लागू किया गया, लेकिन अनुच्छेद 370 के कारण जम्मू कश्मीर में ये एक्ट लागू नहीं हो सका। जम्मू कश्मीर में 11 साल बाद आनंद कारज एक्ट लागू होने से सिख समुदाय में खुशी है। इस पर 2012 में संसद ने आनंद विवाह संशोधन विधेयक पारित किया था, जिससे सिख पारंपरिक विवाह को कानूनी मान्यता के दायरे में लाया गया। सर्वप्रथम केरल ने इसे लागू किया, इसके बाद अन्य प्रदेशों में इसे लागू किया गया, लेकिन अनुच्छेद 370 के कारण जम्मू कश्मीर में ये एक्ट लागू नहीं हुआ था। 370 हटने के बाद सिख समुदाय ने मार्च 2021 में पहली बार उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के सामने इस मसले को उठाया। अब एक्ट को प्रदेश में भी लागू कर दिया गया है, अब सिर्फ उप नियमों को लागू किया जाना है। जिला गुरुद्वारा प्रबंधक समिति जम्मू के उपाध्यक्ष बलविंदर ने कहा कि ये लंबित मांग थी, इसे पूरा करने के लिए हम उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के आभारी हैं। आनंद विवाह अधिनियम का उद्भव 1909 में हुआ, जब ब्रिटिश इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने सिख विवाह समारोह आनंद कारज को मान्यता देने के लिए कानून पारित किया। सिख समुदाय की मांग है कि एक्ट के में उपनियमों को जल्द लागू किया जाए। एक्ट के अनुसार शादी का पंजीकरण कानून के तहत हो सकेगा। सिख यूथ सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष तेजेंद्र सिंह अमन ने कहा कि प्रदेश में एक्ट लागू नहीं था, ऐसे में कोई दस्तावेज शादी के लिए जारी नहीं होता था, अब एक्ट लागू होने से लाभ मिलेगा। जिला गुरुद्वारा प्रबंधक
कमेटी के महासचिव सुरजीत सिंह ने कहा कि देर से सही लेकिन जीत मिली है। अब शादी का पंजीकरण हो सकेगा। सिख प्रोग्रेसिव फ्रंट के महासचिव सरदार मनजीत सिंह ने कहा कि फैसला खुशी वाला है, आनंद मैरिज एक्ट लागू होने से प्रमाण पत्र मिल सकेंगे। जंगलों में बढ़ती तस्करी और आतंकी घटनाओं के बाद सरकार ने फॉरेस्ट प्रोडक्शन फोर्स को भी हथियारों से लैस कर दिया है। अब वन रक्षक ना सिर्फ मुस्तैदी से वनों की रक्षा करेंगे बल्कि आतंकियों का सफाया भी कर सकेंगे। असिस्टेंट डायरेक्टर मासूद अहमद ने बताया कि पिछले कुछ समय से राजौरी में आतंकी घटनाएं बढ़ी हैं, इससे जंगलों की सुरक्षा प्रभावित हो रही है। अब सरकार ने फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स के कर्मचारियों को हथियार थमा दिए हैं। पहले फोर्स के पास हथियार नहीं थे, अब वे हथियार लेकर जंगलों में गश्त कर रहे हैं, इससे वह सही ढंग से जंगलों की रक्षा कर रहे हैं। हथियारों से लैस कर्मी अब गश्त के दौरान कुछ संदिग्ध दिखने पर डटकर मुकाबला भी कर सकेंगे। वहीं एफपीएफ और जंगली क्षेत्रों की ज़्यादा जानकारी इन्हें होती है। फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स के असिस्टेंट डायरेक्टर मासूद अहमद ने बताया कि पहले फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स के पास जंगलों के संरक्षण के लिए हथियार नहीं थे, अब इनके पास हथियार हैं और ये निडर होकर अवैध कटान रोक सकेंगे। किसी तरह की देश विदेशी गतिविधियां होंगी तो उसका भी मुकाबला कर सकेंगे। जवान वाइल्ड लाइफ विभाग, फॉरेस्ट विभाग, सॉयल कंजर्वेशन और सोशल फॉरेस्ट्री विभाग की भी मदद कर रहे हैं। जीएसआई वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी और अन्य विशेषज्ञों की मीटिंग में अचानक जल स्तर बढ़ने पर चिंता जताई गई और इस पर श्वेत पत्र तैयार करने की सहमति बनी है। केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख के लेह जिले के न्योमा उपमंडल के चुमाथांग क्षेत्र में गर्म पानी के चश्मों की निगरानी के लिए तंत्र विकसित किया जाएगा। नवंबर के अंतिम सप्ताह में चश्मों के पानी में अचानक हुई 2 से 3 मीटर की वृद्धि के बाद इसका निर्णय लिया गया। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी और अन्य विशेषज्ञों की मीटिंग में अचानक जलस्तर बढ़ने पर चिंता जताई गई और इस पर श्वेत पत्र जारी करने पर सहमति बनी है। श्वेत पत्र के जरिए लोगों को तेजी से बदल रहे पर्यावरण के खतरों से जागरूक करवाया जाएगा और बताया जाएगा कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। ये श्वेत पत्र सभी हितधारकों विशेषकर लद्दाख प्रशासन के साथ भी साझा किया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि ये निर्णय केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के सचिव अमित शर्मा की अध्यक्षता में लिया गया। शर्मा ने कहा कि श्वेत पत्र के साथ चुमाथांग न्योमा में एक नियमित हॉट स्प्रिंग्स जलस्तर निगरानी तंत्र की स्थापना की जाएगी। दिल्ली में हुए एबीवीपी के राष्ट्रीय सम्मेलन में जम्मू कश्मीर से 190 प्रतिनिधियों ने भाग लेकर विभिन्न समसामयिक विषयों पर चर्चा की। इस दौरान एबीवीपी जम्मू कश्मीर का 59वां राज्य सम्मेलन भी आयोजित किया गया। इसमें सत्र 2023-24 के लिए नई राज्य कार्यप्रणाली को मंजूरी दी गई। कार्यकारी में उधमपुर से डॉक्टर अजय कुमार शर्मा को अगले एक साल के लिए प्रदेशा अध्यक्ष और अक्षी बलोरिया को राज्य सचिव चुना गया है। डॉक्टर लोकेंद्र सिंह, प्रोफेसर ऋतु बख्शी, डॉक्टर सुमित कोतवाल, डॉक्टर आज़ाद खान को उपाध्यक्ष और सनक श्रीवत्स, अकील अहमद तांत्रे, पूजा चिब, शैलाश राजदान, साहिल ठाकुर को संयुक्त सचिव बनाया गया। तिलक ठाकुर को राज्य संगठन सचिव, सुदर्शन डोगरा को राज्य कार्यालय सचिव और गोविंद शर्मा राज्य कोषाध्यक्ष व सुनील चौधरी को राज्य सह कोषाध्यक्ष मनोनीत किया गया। इसके साथ ही इस सम्मेलन में प्रदेश कार्यकारी परिषद और प्रदेश कार्यसमिति सदस्यों के साथ साथ विभिन्न मंचों प्रकोष्ठों के लिए प्रदेश प्रभारियों और प्रदेश संयोजकों की भी घोषणा की गई। शहर में बुधवार को 2 सड़क हादसों में एक पुलिस कांस्टेबल और एक छात्र की मौत हो गई। पुलिस कांस्टेबल राजभवन में उपराज्यपाल की सुरक्षा में तैनात थे और एसएसएफ में थे। नगरोटा के जगती निवासी सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल रवि कुमार की मौत पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शोक प्रकट किया है। जानकारी के अनुसार रवि कुमार मंगलवार सुबह बाइक पर राजभवन आते वक्त वैरियर से टकरा कर गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें जीएमसी जम्मू पहुंचाया गया जहां उपचार के कुछ देर बाद ही उनकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम करवाकर शव परिवार को सौंप दिया गया है। पुलिस महकमे में सब इंस्पेक्टर भर्ती का बुधवार को दूसरे दिन और अंतिम पड़ाव शुरू हुआ गया। लिखित परीक्षा पास कर शारीरिक परीक्षण के लिए योग्य युवाओं का शारीरिक परीक्षण हुआ। जम्मू के गुलशन ग्राउंड मैदान में 146 युवाओं ने शारीरिक परीक्षण दिया। इसमें दौड़, पुशअप, लंबाई आदि का परीक्षण हुआ। सुबह से ठंड होने के बावजूद उम्मीदवारों में काफ़ी उत्साह दिखा। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में भर्ती कंपनी की ओर से परीक्षण लिया गया।
ऐसा पहली बार हो रहा है कि परीक्षण मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में हो रहा है। भर्ती मैदान में युवाओं के अलावा किसी को प्रवेश नहीं करने दिया गया। दरअसल पिछले 3 साल से ये भर्ती विवादों में है। वर्ष 2021 में 1300 पदों के लिए भर्ती हुई थी। वर्ष 2022 में परीक्षा हुई और परिणाम भी आया, लेकिन परिणाम आते ही ये विवादों में आ गई। आप फिर से परीक्षा कराइए और फिर से किसी तरह का विवाद ना हो और पारदर्शी तरीके से भर्ती हो, इसलिए इस बार पूरी एहतियात बरती जा रही है। लोकसभा में पारित किए गए महिला आरक्षण विधेयक का राजनीति धड़े में भी स्वागत किया गया। विभिन्न राजनीतिक संगठनों की महिलाओं ने इसे नारी हित में बताते हुए शीघ्र लागू करने पर जोर दिया। उनका मानना है कि महिला आरक्षण से देश के विकास में उनकी भागीदारी और योगदान बढ़ेगा। वार्ड 21 की पूर्व कांग्रेस पार्षद भानु महाजन ने कहा कि विधेयक स्वागत योग्य है, लेकिन सरकार को इसे जल्द जमीनी स्तर पर अमल में लाने को सुनिश्चित भी बनाना चाहिए। बिल पारित होने के बाद लंबे समय तक इसका लाभ रोका नहीं जाना चाहिए। विधानसभाओं में महिलाओं का आरक्षण सुनिश्चित होने से विकास में उनकी भागीदारी बढ़ेगी। देश, केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों के भविष्य के लिए उनके महत्वपूर्ण फैसले होंगे। आगामी विधानसभा चुनाव में महिला आरक्षण का महिलाओं को लाभ दिया जाना चाहिए। वार्ड नंबर 7 की पूर्व पार्षद ऋतु चौधरी ने कहा कि बिल पारित होने के बाद अब महिलाओं को इसका लाभ शीघ्र सुनिश्चित किया जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर के 20 में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण ऐतिहासिक होगा, लेकिन ये तब होगा जब इसे जमीनी स्तर पर अमल में लाया जाएगा। फिलहाल भाजपा इस पर परिसीमन की बात कर रही है, जिससे इसे शीघ्र लागू होने पर स्थिति स्पष्ट नहीं है। वार्ड नंबर 17 की पूर्व पार्षद निधि मंगोत्रा ने कहा कि उम्मीद है कि बिल को शीघ्र लागू करके महिलाओं को आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। देश की महिलाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए आरक्षण बिल लाया गया है। देश में ऐसे बिल की लंबे समय से मांग को महसूस किया जा रहा था। कश्मीर में अनुच्छेद 370 मामले में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पाकिस्तान ने एक बार फिर बड़ी साजिशों को अंजाम देने की तैयारी शुरू कर दी है। केंद्रीय खुफिया एजेंसी से मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान ने न सिर्फ अपने देश बल्कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों से घाटी के माहौल खराब करने के लिए साजिशें रचना शुरू कर दी हैं। इसके लिए बाकायदा सोशल मीडिया से लेकर कश्मीर घाटी के भीतर सक्रिय स्लीपर सेल के आतंकियों को भी पाकिस्तान आतंकियों ने संदेश भेजा है। जानकारी इस बात की भी मिली है कि दिल्ली की जेल में बंद आतंकी यासीन मलिक की पत्नी मुशाल ने इस्लामाबाद से इस पूरे मामले में माहौल बनाने की नींव रखी है। मुशाल मलिक ने अपने संदेश में मुजफ्फराबाद से लेकर श्रीनगर के भीतर संगठन में नए लोगों को जोड़ने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए नया मिशन शुरू करने की योजना बनाई। वहीं इसके अलावा घाटी में मौजूद कुछ आतंकी संगठनों की संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी भी खुफिया एजेंसियों को मिली है। जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर में गुरुवार को न्यूनतम तापमान 0.5-4 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। इससे पहले बुधवार को श्रीनगर में इस मौसम की अब तक की सबसे सर्द रात रही। इस बार चिल्ले कलां से पहले ही डल झील के अलावा अन्य जल स्रोत जमने लगे। मौसम विभाग के अनुसार 15 दिसंबर तक मौसम शुष्क रहने की संभावना, जबकि 16 और 17 दिसंबर को मैदानी इलाकों में बारिश और ऊपरी इलाकों में बर्फबारी की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार गुलमर्ग में न्यूनतम तापमान -5 और पहलगाम में -5.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा लद्दाख क्षेत्र के लेह शहर में न्यूनतम तापमान -14.1, कारगिल में -10.2, द्रास में -11.7 दर्ज किया गया। वहीं जम्मू में न्यूनतम तापमान 6.7, कटरा में 6.6, बटोत में 2.1, भद्रवाह में -2 और बनिहाल में -5 दर्ज किया गया। ये कड़ाके की ठंड की 40 दिनों की लंबी अवधि है। इसे यहाँ चिल्ले कलां के नाम से जाना जाता है। ये 21 दिसंबर से शुरू होती है और 30 जनवरी को समाप्त होती है। कल 8 बजे फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।